इस समय उपस्थित हैं वाराणसी में फूलपुर बाजार के अंतर्गत। डॉक्टर साहब, सुरही ग्राम सभा है, हाँ हाँ भुसौली मऊजा है। क्या मामला है डॉक्टर साहब? प्रधान जी कब्जा कर रहे हैं। हाँ, प्रधान जी कब्जा करवा रहे हैं और प्रधान जी की नीयत जो है पूरे ग्राम सभा में जहाँ भी जमा जमीन सरकारी है उस जमीन को, हर जमीन को हर जगह कब्जा करा रहे हैं। जैसे सुरह ग्राम सभा के भुसौली गांव में ये सरकारी भूदान समिति की जमीन है। 2020 से अधिकारियों के यहाँ जो है दरखास्त दिया जाए, अप्लीकेशन प्रार्थना पत्र डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कैमरामैन महेंद्र प्रसाद यादव द्वारा दिया गया। जी, अधिकारियों ने आकर पैमाइश किया, पैमाइश करने के बाद जो है इसके जब पैमाइश करने के बाद ये पत्थर जो है सब गाड़ा गया, जिसमें पुलिस बल के साथ जो है आकर जो है हम लोगों ने यानी कब्जा यानी इसको पैमाइश कराया। इसके बाद बाहुबली में पांचू यादव पुत्र श्रीनाथ यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव पुत्र स्वर्गीय रामदेव यादव, रमेश यादव पुत्र जो है रमाशंकर यादव, इन लोगों ने ईंटा पत्थर उखाड़ कर फेंक दिया और उस पर घर मकान और कब्जा बनाया हुआ है। चंद्रजीत यादव पुत्र स्वर्गीय मुन्नालाल यादव ने जमीन को यानी कि जोत कर कब्जा किया है। आज तक जो है इसकी पैमाइश होने के बाद भी ईंट पत्थर जो है उखाड़ कर फेंक दिया गया और प्रशासन और इसके बाद आज तक जो है इतनी बार अप्लीकेशन दिया गया कि तहसील से लेकर कोई अधिकारी जब भी दिया जाता है तो रिपोर्ट बनाकर वो भेज देते हैं और इसके बाद कहते हैं कि अभी ना अभी और कितना है ये जमीन की प्रधान जी कितना कब्जा कराए ये हैं? जमीन जो है 1 एकड़ 64 डिसमिल है हाँ, और भूदान समिति की जमीन है, सरकारी भूदान समिति के नाम से यहाँ तो है। यहाँ पे सरकार जमीन खाली करवा रही है, सरकारी जमीन, ये प्रधान जी क्यों कब्जा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? अब यही है कि उनको पैसा मिल रहा है, रिश्वत लेकर ये सब काम मतलब कर रहे हैं, सरकारी जमीन बेच रहे हैं बेच वो? रहे हैं। हाँ, और अधिकारी भी नीचे से ऊपर से सब मिले हुए हैं, नहीं तो आज 2020 से प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला तो गया। आप बहुत क्या है ये? ये जो है 2020 का जो है लेखपाल का रिपोर्ट है, या डीएम ने यानी रिपोर्ट दिया था कि यानी कि इसको जो है यानी पैमाइश कराइए और पैमाइश हो गया, इसके बाद भी फिर कब्जा होना तो शुरू और हो भी दो तीन जमीन है जहाँ पे कब्जा किए हैं प्रधान जी? गया। हाँ, तो वहाँ भी कराएं तो उसका जो है इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जिला अधिकारी हैं उसकी जो है पैमाइश हो चुकी, उसका जो है रिपोर्ट भी आने लग चुका है और बेदखली का भी रिपोर्ट गया था, कोर्ट में मुकदमा भी काम हो गया है, सारा चीज़ यानी कि चल रहा है कोर्ट में और विचाराधीन। इस समय हम भूमाफिया है भूमाफिया है वो। और थाने के दलाल भी है, अच्छा, थाने पे दलाली भी करते दलाली भी हैं करता है और पुलिस जो की मिली भगत से आप? इतने सारा काम करता है। कैसे कह सकते हैं कि वो दलाल हैं? कैसे, मतलब नहीं, इतना हैबिट है हमारे आपके पास पास? वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जितने लोगों ने पैसा दिया है 20-20 हज़ार वो कबूले भी है, पुलिस उसको जो है मानने के लिए नहीं तैयार है कि रिकॉर्डिंग हम नहीं आने की मानेंगे। और हाँ, उन्होंने कहा कि यानी कि EDO पंचायत विकास अधिकारी के सामने जो है केवल ये जो है कहाँ है तो अकेले कब्जा नहीं कर, इनका ग्रुप है। इनका ग्रुप है, ये करवाते हैं पैसा लेते हैं अच्छा, मतलब जमीन सरकारी जमीन को बेच देते बेच हैं देते हैं, पैसा लेकर जो उसको कब्जा करवा देते हैं। और जमीन सब कहाँ है और जमीन बताइए। अभी जमीन और एक आगे है यहाँ का, 1 एकड़ 64 डिसमिल है, इसके बाद वहाँ की जमीन है आपकी जो है, और ये सब प्रधान जो है पूरे ग्राम सभा में तो आतंक आप बना क्या देगा। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम करना चाहते हैं कि इसकी पैमाइश कर इसमें जो है ईंट पत्थर की कोई व्यवस्था न करें, इसमें पिलर देकर जो है अपनी जमीन जो है सरकार कब्जे में कर ले। फूलपुर मार्केट के अंतर्गत सुरही ग्राम सभा में। अब आपके गांव के प्रधान क्या नाम है? तो प्रेमिला देवी, क्या लिखा है इस पे? इस पर लिखा है प्रतिभा, क्यों क्यों ऐसा हुआ? ये फर्जी बोर्ड लगा है। यहाँ का प्रधान प्रेमिला देवी है, इनके पति का नाम जो है रविंद्र यादव उर्फ गुड्डी यादव है, लेकिन जो है बोर्ड जो है प्रतिभा यानी कि नाम मतलब से इससे है। उन क्या बेनिफिट होगा इनको, क्यों ऐसा लगा है? अब सारा काम इनका फर्जी है, सब काम सब फर्जी है। फर्जी है, जमीन पर कब्जा करना, पूरे ग्राम सभा पर कब्जा करवाना, अपना भी कब्जा यानी प्रधान द्वारा हुआ है। नहीं, बोर्डवा में हमें जैसे नाम चेंज है, उनका नाम हाँ, दूसरा है, नाम दूसरा दूसरा, क्या, उनको क्या बेनिफिट होगा उनको इससे? कोई बेनिफिट होगा तभी तो लगाए हैं। और क्या क्या समस्या है गाँव का डॉक्टर, सब कुछ तो बताइए। समस्या है कि इनका थाने की दलाली, थाने जमीन पे दलाली करते दलाली भी हैं, करते हैं, भूमाफिया भी हैं। माफिया भी है। हाँ, जमीन को यानी कब्जा करना, जमीन को कब्जा करवाना यही इनका काम है, और सारा डॉक्यूमेंट्स जो है समय पर यानी पेश यानी कि जिला संवाददाता महेंद्र प्रसाद यादव द्वारा किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज द्वारा।
सारा जो भी तो रिपोर्ट हमें पूछना मिला कि आवास दूसरे गांव में बनवा दिए हैं। सुरही का आवास फूलपुर में बना है। सुरही ग्राम सभा का आवास फूलपुर में बना है। पांच आवास बना है। हाँ, पांच आवास जो है फूलपुर में बना है। जांच कुछ नहीं करा, जांच हो गया जो है, रिकवरी का भी आदेश हो गया है। वीडियो यानी खंड विकास अधिकारी मौके पर आए थे, जांच किए, जांच में जो है वो पकड़ा गया और खंड विकास अधिकारी द्वारा ईमानदार यानी जो खंड विकास अधिकारी इस समय के हैं यानी कि सबसे नंबर वन पर ब्लॉक पर है। क्यों गांव को लेकर इतना एक्टिव कैसे हैं, क्यों हैं आप? हम, अपना जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? हम इसलिए खतरे में, हमको जान की कोई परवाह नहीं है। हमको जो गलत काम करेगा उसको छोड़ना हमको नहीं है, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे DM हो, चाहे SP हो, चाहे कमिश्नर, जिसको पाएंगे उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उसको पेपर में हाईलाइट हमको करना है। तो आप क्या चाहते हैं बुलडोजर बाबा से? क्या चाहते हैं बुलडोजर बाबा से? हम चाहते हैं कि अगर वो सही या कहते हैं कि हम बुलडोजर बाबा हैं और सही हैं मुख्यमंत्री, केवल केवल जो है तो गलत आदमी को पकड़े। डॉक्टर साहब, हर कोई होता है, हर आदमी के अंदर थोड़ा तो जातिवाद होता है, लेकिन आप तो सीधे अपने बिरादर का ये है वो है, कैसे कर लेते हैं सब? इसलिए कि हमारी हमारी जितनी बिरादरियां हैं सब सही है, यादव बिरादरी। गलत कर, गलत आदमी जो है उसको सारे लोग यानी हम हर किसी आदमी को थोड़ा बहुत तो जातिवाद होगा। नहीं, जातिवाद एकदम नहीं होगा। हर आदमी के अंदर हमारे यहाँ के होता हमारे यहाँ के जितने यादव हैं 80% जो है इनके पक्ष में नहीं है। अच्छा, हाँ, इनके विरोध में ही रहेंगे। इनका वही होगा जो जो भूपी जिसको यानी जमीन कब्जा करवाए हैं। तो गांव में कैसे चुनाव जीत, कैसे क्या करते हैं डॉक्टर? सब पैसा खर्च करते हैं, जीतते हैं। 20 लाख रुपया खर्च किए थे इस बार। अच्छा अच्छा, 2000 रुपया प्रति वोट दिए थे। अच्छा, जब जिसके घर में 5 वोट है 10,000 पाएगा वो किसको देगा? मतलब वोट वोट बिक गया, लेकिन आने वाले समय में अब ऐसा नहीं होगा। सारी जनता को पता चल गया कि हमको क्या करना है। सबको परेशान तो सही हो रहा है डॉक्टर साहब, इधर भी ध्यान दीजिए जरा।